अरे कप्तान साहब, आप इधर का रास्ता कैसे भूल गए? मलकिर 32 साल हो गए हमें इस रास्ते पर चलते चलते, इतनी आसानी से तो हम ये रास्ता भूलने वाले नहीं। और हमारी याददाश्त भी खो जाए ना, तो हमारे कदम खुद ब खुद इस रास्ते पर चल पड़े। आप तो जानती हैं कि दो ही रिश्ते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब, एक ऊपर वाले से और एक आप से। कप्तान साहब, अचानक ये बदलाव कैसे? हमें तो लगा था आप स्टडी रूम में ही रहने वाले हैं। मलकिन, कोई जरूरी तो नहीं कि हम जो सोचते हो वो बिल्कुल सही हो और सच हो, और हमसे अगर कोई गलती हो भी गई है तो परेशान होने की कौन सी बात है। ये हम मानते हैं कि झरझर वाले की नींद की गोली को लेकर हमें कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिर पैर की बात बोल रहे हैं। आपसे किसी ने कुछ कहा कप्तान साहब? मलकिन, हमारे अपने मत भी तो कुछ मायने रखते हैं। जिन परेशानियों का जिक्र आप हमसे नहीं करती हैं, वो सीधे हमारे पास आती हैं और हमें परेशान करती हैं। आप तो जानती हैं, हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जिसे पढ़ा है वो आप। अरे मलकिन, आप हर करवा चौथ पर हमसे तोहफा लेती आई, और अगर आपको तोहफा ना मिले तो आप मेहंदी नहीं लगवाएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए। हजार बार पालप पड़ेगा तुमरा हमसे, तो अब देख लेना कि किस भाव पड़ता है हमसे लोहा लेना। हम तुम्हें ही घर में चैन से नहीं ना रहने देंगे। दीदी, आप इतना परेशान क्यों हैं? और इतनी डरी हुई क्यों हैं? क्या कहें सिया, हम तो अपनी जिंदगी से ही डरे हुए हैं। हर पल हम यही डर लग रहा है कि हम किन्नी दीदी के खिलाफ जाकर खुद को मुश्किल में डाल लिए। पता नहीं किन्नी दीदी हमारा क्या हाल करेंगी। देखो ना सिया, किसी किस्मत लेके पैदा हुए हैं हम। ना तो हमारा कोई मायका है और ना ही पति का वैसा सा। किसे कहे अपनी परेशानी हो? नहीं दीदी, आप ऐसा मत बोलिए। आप एक बहू, एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हैं। आदित्य की माँ, जिसे पूरा परिवार बहुत प्यार करता है। दीदी,
अक्सर हम उन बातों के लिए शिकायती हो जाते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और इसी चक्कर में उन चीजों का सम्मान करना छोड़ देते हैं जो हमारे पास होती है, हमारे हाथों में होती है। सिया, हम जानते हैं कि तुम सही कह रही हो, हम तुम्हारी बात मानते भी हैं, लेकिन जिंदगी उदाहरणों जितनी आसान कहाँ होती है। जिंदगी के अनुभव तो हमेशा नए होते हैं। अम्मा, आपको नहीं लगता है कि मंजली भाभी ने नैकी भाभी को बचाने के लिए आपसे झूठ बोला है? नहीं सब, हमें झरझर वाली पर पूरा भरोसा है। हमारी आंखें इतनी कमजोर नहीं कि हम ये भी ना देख पाए कि कौन कैसा है। झरझर वाली हमारी सबसे अच्छी बहू है। लेकिन सिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा हमें लगता था कि वो हमारा विरोध कर रही है, वैसा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर वो हमारा विरोध करेगी तो उसका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन एक बात फिर भी हम जरूर कहेंगे, उस पर नजर रखिएगा। सवारों, हमें पता है कि तुम्हें अब भी अपने घर की बहुत चिंता है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, आज भी इस घर की कमान तुम्हारे अम्मा के हाथ में। अच्छा बिटिया, कल तुम लोगों को जाना है ना? कल कहाँ जाना है हमें अम्मा? अरे अपने सास के पास, करवा चौथ मनाने के लिए अपने ससुराल ही जाओगी ना? अम्मा वो हाँ अम्मा, हम तो आपको बताना ही भूल गए, हम तो कल रात को ही जाने वाले थे, लेकिन फिर यही सोच कर रुक गए कि देवर जी का घर इतना छोटा सा है तो वहाँ रहने में दिक्कत होगी ना, और फिर हमने सोचा अम्मा कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। वैसे अम्मा, हमने अपनी सासू माँ को फोन करके बोल दिया है कि वो हमको लेकर सर्गी के लिए परेशान नहीं हो। लेकिन दीदी जी, सुहाग का त्योहार है तो सर्गी तो सास के हाथ से ही मिलनी चाहिए ना? उनका सगुन ही कुछ और होता है। लड़को, ज्यादा ज्योतिष बघारने की जरूरत नहीं, का होता है और का नहीं ये तुम्हें बताने की जरूरत है। हमने अपने बेटियों को पूरे संस्कार दे रखे, और शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं, सवारों की बातों से साफ जाहिर है वो अपनी वजह से अपनी सास को नहीं परेशान करना चाहते, और हमें पक्का यकीन है कि सवारों की सास इसे सर्गी जरूर। अब ज्यादा पंचायत मत बघारो, जाओ जाके मेहंदी लगवाओ, सवारों जाके तीजा को बुला लो, और उसके बाद जाके झरझर वाली और छुटकी बहू से भी कहो कि वो भी मेहंदी लगवाए। जी अम्मा, अभी बुला कर लाते हैं। इलो, ये तुम्हारे लिए। नेक के पैसे पहले ही मिल गए भाभी, मलकाई ने हमें दे दिए। ई मेहंदी लगाने के पैसे नहीं हैं, ना लगाने के पैसे दिए हैं। मतलब
मतलब ये छोटी ननद जी को मेहंदी लगा के रपारप सरक लेना यहाँ से और कह देना कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, कोनो जरूरी काम से तुम्हें जाना है, समझी?